नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल अनीस राज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 300 स्क्वायर फुट के आसपास अगर आप स्लैब का कास्टिंग करा रहे हैं, छत डलवा रहे हैं, तो मीटर के साथ साथ आपका लेबर का कॉस्ट ए टू जेड कितना लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सरिया सीमेंट गिट्टी कितना लगेगा, सरिया में 8 mm आपका कितना नंबर पीस मंगाना पड़ेगा बाजार से, 10 mm का कितना नंबर पीस मंगाना पड़ेगा, कितना केजी मंगाना पड़ेगा, क्या कॉस्ट होगा, लाइट फिटिंग करवाते हैं स्लैब टाइम पे उसका क्या खर्च लगेगा, लेबर का क्या कॉस्ट लगेगा, बाइंडिंग वायर का, सब चीज़ के ऊपर बात किए। तो वीडियो को आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक देखिए। चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट। एरिया हमारे पास जो स्लैब का है वह कितना है, 15 फुट इसका चौड़ाई है, ठीक है, और 20 फुट इसका क्या है लंबाई है। तो यह हो गया 300 स्क्वायर फुट हो गया 15 बाय 20 फुट, ठीक है। आप लोग के कमेंट के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। स्लैब की मोटाई हमने रखा है 5 इंच, ठीक है, और जो इसमें मसाला का रेशियो है कंक्रीट का वो मैंने M20 ग्रेड का रखा है, जिसका रेशियो होता है मसाला का अनुपात 1 बैग सीमेंट लेना है, ठीक है, जिसमें 1.5 बैग आपको क्या रखना है बालू रखना और 3 बैग क्या रखना है गिट्टी रखना है। ये 1 पार्ट सीमेंट का, 1.5 पार्ट आपका सैंड का यानी बालू का और 3 पार्ट आपका एग्रीगेट का, यही रेशियो से आपको मसाला बनवाना है और यही रेशियो से मैंने क्वांटिटी निकाला है। ये वीडियो में खास ये है कि स्टील जो हम बताएंगे 8 mm 10 mm वह कितना नंबर पीस लगेगा, कितना केजी लगेगा, वो सब हम वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। सबसे पहले सीमेंट का बात कर ले दोस्तों, तो सीमेंट की क्वांटिटी जो है मात्रा वह 15 बाय 20 फुट के स्लैब के लिए, 300 स्क्वायर फुट स्लैब के लिए 27 बैग है। रेट हमारे एरिया में आपका 380 रुपया से लेकर 400 रुपया पर बैग चल रहा है। तो हम यहाँ पे 380 रुपया लेके चल रहे हैं एक अच्छे सीमेंट के लिए। अगर इससे भी सस्ता सीमेंट लेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन स्लैब आपका मजबूत नहीं होगा। तो 380 रुपया के अकॉर्डिंग 27 बैग का हो जाएगा कीमत 10,260 रुपये। अब हम बात कर लेंगे सैंड का यानी कि बालू का। तो बालू को हम लोग CFT में मेजरमेंट करते हैं क्यूबिक फुट में, तो यह 49 CFT लग जाएगा। रेट मेरे एरिया के अकॉर्डिंग आप को अगर बता दे तो 70 से लेके आपका 75 रुपया पर CFT पड़ रहा है। तो हम फिलहाल 72 रुपया ले रहे हैं, कुछ दिन पहले मंगाए थे 10 दिन पहले, तो 72 रुपये पर CFT पड़ रहा था, 7200 का टेलर 100 CFT, तो 72 रुपये पर CFT हो गया। तो 49 CFT का क्यूबिक फुट का यह हो जाएगा 3,528 रुपया, और ये रेट आपके एरिया में थोड़ा बहुत कम हो सकता है। आगे हम बात कर ले एग्रीगेट यानी गिट्टी का, करी का, मेटल का, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले इसका डबल होता है जो हम अनुपात में बताए मसाला का अनुपात में, तो ये 98 CFT लग जाएगा क्यूबिक फुट। देखिए दोस्तों मेरे एरिया में, बिहार के रीजन में रेट बहुत ज़्यादा है गिट्टी का, तो प्लीज़ आपके एरिया में जो भी रहे कमेंट कीजिएगा और उससे गुना कर लीजिएगा क्वांटिटी में। तो मेरे एरिया का रेट का बात कर ले तो 100 से लेके 110 रुपया पर CFT, आपके एरिया में 60-70 भी होगा तो गुना कर लीजिएगा। तो हम फिलहाल 110 रुपया पकड़ रहे हैं एक CFT का, तो 98 CFT का यह हो जाएगा 10,780 रुपया हो जाएगा। आपके एरिया में फिर से बोल दें यह रेट कम होगा, क्योंकि बिहार में ही केवल ये रेट ज़्यादा है मेरे एरिया में। अब मेन मुद्दा आता है सरिया का, तो सरिया हम इसमें मेन बार आपका 10 mm यूज करेंगे, इसको हम लोग बोल देते हैं मेन बार। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगा लेकिन वीडियो आपको समझ में आएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है जिसको हम लोग ऊपर से डालते हैं और मेन बार 10 mm का नीचे डालते हैं। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये आपको छोटे जो लंबाई है उसके रिगार्डिंग जब सरिया नीचे डलाएगा तो हम लोग 10 mm का यूज करते हैं। बड़ा स्लैब रहा तो वहाँ पे आपका 12 mm भी यूज करते हैं, लेकिन छोटा स्लैब है तो हम इसको क्या बोले ऐसे ऐसे जब डलाएगा छोटे स्पान के अकॉर्डिंग डलाएगा तो यह 10 mm सरिया हो जाएगा सबसे नीचे डलाएगा, और लॉन्ग स्पान ऐसे ऐसे जब डलाएगा वह 8 mm हम डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया लॉन्ग स्पैम के रिगार्डिंग, तो 8 mm हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन
10 mm का हो गया मेन बार जो नीचे डलाएगा, और ऊपर से डलाएगा आपका क्या 8 mm का डलाएगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसमें हम आपको कटिंग नंबर ऑफ पीस कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में बना देंगे। बस इस वीडियो में आपका एक पूरा सरिया जो रहता मार्केट से लेते हैं वो 8 mm पर कितना लगेगा, 10 mm का कितना लगेगा, ये भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। आप जैसे कि हम अभी बोले हैं कि 8 mm का जो सरिया रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार जिसको बोलेंगे ऊपर से डलाएगा, वह आपका जूम करके बता दे तो यह 16 पीस लग जाएगा। आधा 16 क्या लगेगा, पीस लग गया पूरा, कटा हुआ नहीं। वो तो घर पे लाके 15x20 का काटेंगे। और मेन बार जो है 10 mm का वह भी 16 पीस लगेगा। मार्केट से जब लाएंगे 16 × 16 = 32, 8 mm 10 mm का 16 16 पीस, ठीक है, पीसे पीस है। तो ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा जल्दी, शायद समझ में आ गया होगा। मैं इसको 16 पीस लिख देता हूँ, इसको 16 पीस लिख देते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी मेरी रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm का ऊपर से डलाएगा 16 पीस, और मेन बार जो नीचे डलाएगा 10 mm का वो 16 पीस, ठीक है। आगे हम बात कर लेंगे कि 8 mm 10 mm का जो 16 16 पीस रहेगा उसका वजन कितना रहेगा, कितना हम लाएंगे। तो यह आप 8 mm का सबसे पहले अगर बात कर ले तो यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। 8 mm का जो ऊपर से डलाएगा वह आपका हो जाएगा 74 kg, ठीक है। और 10 mm का जो सरिया डलाएगा वह हो जाएगा 116 kg, जो नीचे डलाता है 74 kg और 116 kg को जब जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं 74 kg 8 mm का प्लस आपका हो गया कितना 116 kg हो गया कितना 10 mm का। तो यह टोटल हो गया दोस्तों जोड़ने के बाद 190 kg, कितना 190 kg हो गया। और तो 190 kg का कीमत कितना हो गया, रेट सबसे पहले हम बताएंगे। तो मार्केट में जो रेट है आपका फ्रेंड वह आपका 65 to 75 rupees पर केजी है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है टोटल 190 kg, यानी कि 1 क्विंटल 90 kg गुना हम ले लेते हैं 70 रुपया, तो ये हो जाएगा कितना सरिया का, ये हो जाएगा 13,300 रुपया हो जाएगा सरिया के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा समझाने में आपको टाइम लग गया, 8 mm 10 mm का पीस और केजी, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बाइंडिंग वायर जो 18 नंबर का लगता है, ठीक है, 5वें पॉइंट में। तो बाइंडिंग वायर आपका लमसम अगर बात कर ले तो यह 2.4 kg लगेगा, 2 kg 400 ग्राम, रेट आपका 100 रुपया पर केजी है। तो हमारा हो गया 240 रुपया हो गया। आप लाइट फिटिंग का बात कर ले, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं लाइट फिटिंग स्लैब के टाइम पे, पीवीसी पाइप लगाते हैं, पाइप फिटिंग करते हैं, फैन बॉक्स यूज करते हैं, और आपका हो गया लाइट बॉक्स यूज करते हैं, टेप हो गया, और आपका काटने वाला कटर हो गया, ये सारे चीज़ हम लोग यूज करते हैं। तो इसका लमसम 300 square foot के लिए 800 से लेके 1000 लग जाएगा। हम 1000 पकड़ रहे हैं। अब हम बात कर ले लेबर कॉस्ट का। तो लेबर खर्चे का अगर बात कर लीजिएगा तो ये 35 से 55 रुपये पर स्क्वायर फुट के अकॉर्डिंग यह हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 35 to 55 रुपया पर स्क्वायर फुट रेट चलता। हम फिलहाल आपका 35 से 55 रुपया के अकॉर्डिंग जब 300 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा स्क्वायर फुट में 10,000 से लेके आपका हो जाएगा 15,000 तक पड़ेगा। तो हम फिलहाल 10,000 लेके चल रहे हैं, जिसमें ऑल मटेरियल और लेबर का खर्च इंक्लूड कर दिए हैं। आपके एरिया में थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी तो देख लीजिएगा, ऐसे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका है सेटरिंग लेबर का कॉस्ट।
तो यह टोटल को जब जोड़ देंगे मटेरियल को तो कितना हो जाएगा खर्च, टोटल स्लैब कास्टिंग कॉस्ट बराबर हो जाएगा आपका फ्रेंड 49,108 रुपया। आप अप्रॉक्स 50,000 लेके चल सकते हैं, कितना 50,000, क्योंकि कुछ मटेरियल का रेट घटता है बढ़ता है। तो फ्रेंड ठीक है, हम आप लोग से आशा करते हैं कि यह हमारी बताई हुई जानकारी कभी ना कभी आप लोग को जरूर काम आएगा, जब भी आप स्लैब कास्टिंग कराएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय।